सबसे पहले तो मैं किसान भवन और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और साथियों की तरफ से आप पत्रकार साथियों का किसान भवन पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज की प्रेस वार्ता का प्रमुख मुद्दा 13 तारीख को इस रविवार को सुबह 9 बजे जो भाई उदय सिंह जी का किला है वहां पर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोष प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें हमारे प्रिय नेता चौधरी सिंह सुरजेवाला जी, बहन शैलजा जी और किरण चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के कई विधायक, मौजूदा विधायक व पूर्व विधायक एक प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन का उद्देश्य जो ये प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स और हर रोज की जो ये पेंशन को लेकर, पहचान पत्र को लेकर, पोर्टल को लेकर जो लोग दुखी हुए हैं विशेष तौर पर शहरों में, उसको लेकर एक रोष प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें सभी साथी वहाँ इकट्ठा होकर सचिवालय तक जाएंगे और एक ज्ञापन देंगे। उससे पहले 12 तारीख को भी एक युवा संकल्प सम्मेलन रखा गया है जो सत्कार पैलेस अंबाला रोड पे है। बहुत से युवा साथी जो कांग्रेस पार्टी में रणदीप सिंह सुरजेवाला की नीतियों से प्रभावित होकर, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर नई ज्वाइनिंग करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उन साथियों ने एक प्रोग्राम रखा है दोपहर को 1 बजे सत्कार पैलेस में शनिवार। लेकिन मुख्य मुद्दा 13 तारीख को सुबह जो प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में आप साथियों से विचार विमर्श करने के लिए, बताने के लिए। प्रदर्शन में केवल कैथल हल्के से ही साथियों को बुलाया गया है, या कैथल डिस्ट्रिक्ट के भी जो मेन हमारे जैसे गोला चीका से, कलायत से जो पदाधिकारी हैं केवल उनको बुलाया गया, लेकिन कैथल शहर का और कैथल हल्के का कांग्रेस पार्टी का सभी वर्कर साथी और शहर के भी जो साथी जो इनसे बड़े दुखी हैं, इन दोनों तीनों पॉलिसी, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स का और प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, जिससे उन्हें हर रोज़ दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, सुबह से लेकर शाम तक कमेटी में लगातार कई कई दिन धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद भी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स उनका क्लियर नहीं हो पाता, तो ये जो पोर्टल चला हुआ है जिससे लोग बड़े परेशान हैं, उसमें सभी साथियों सम्मिलित होकर एक अच्छा बड़ा प्रदर्शन करें। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा प्रदर्शन? सभी साथी पहले भाई उदय सिंह जी के किले के बाहर इकट्ठे होंगे, वहाँ से सारे साथी इकट्ठे होकर जुलूस के रूप में एक रोष प्रदर्शन निकालते हुए सचिवालय तक जाएंगे। प्रदर्शन में हमारे प्रिय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी तो होंगे ही, साथ में हमारी जनरल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ बहन शैलजा जी, विधायक किरण चौधरी जी, गोगी जी जो हमारे विधायक हैं, और अन्य भी कई विधायक, हमने सभी साथियों को इनवाइट किया, तो मैक्सिमम साथी यहाँ पहुँचेंगे। हरियाणा के किसी जिले की बात करें तो किरण चौधरी, शैलजा और रणदीप सिंह दिखाई देते हैं, क्या उनका कुछ निमंत्रण नहीं दिया जाता है हुड्डा साहब के परिवार? आप होर्डिंग देखेंगे उसमें भी, आप होर्डिंग देखेंगे उसमें हुड्डा साहब की भी फोटो है। होता क्या है, अलग अलग जगह पूरे हरियाणा में ड्यूटियाँ बटी हुई हैं, अपने प्रभाव के क्षेत्र में या जहां हमारे साथी हैं हम अपना काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, आप देखें प्रोग्राम उनके भी चल रहे हैं बाकी हरियाणा में, चाहे वो हिसार हो रोहतक, बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा को निमंत्रण दिया गया। प्रदीप जी अगर बात करें प्रत्येक हल्के की, हर हल्के में दो कांग्रेस के दोनों गुट के जो नेता अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, आप गुट कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस का तो हर साथी, हर हल्के में कई चेहरे ऐसे होते हैं जो विधायक के लिए भी तैयारी करते हैं, तो उन्हें गुट नहीं कहा जा सकता। जिसका जहां प्रभाव होता है, जिसकी जहां विधानसभा होती है, जिसका जहां असर का एरिया होता है, जिसके जहां ज़्यादा साथी होते हैं, तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं मेरे एरिया में पार्टी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो हमारा कार्य क्षेत्र ज़्यादा जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल यहाँ रहा है, तो इस एरिए में ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ आपके साथी हैं वहीं प्रोग्राम करेंगे। हुड्डा साहब का नेचुरल है, उनका रोहतक, सोनीपत, झज्जर की तरफ प्रभाव है, साथी है, तो वहाँ वो प्रोग्राम कर रहे हैं। कैथल में भी ऐसे ही है, कैथल के 4 विधानसभा क्षेत्र है, चारों के चारों में अलग अलग नेता तैयारी करे हुए नहीं, हमने हमने कैथल हल्के के, कैथल डिस्ट्रिक्ट के जितने साथी हैं जो चुनाव लड़े हैं, पूर्व विधायक हैं या आगे लड़ने के इच्छुक हैं, जो तैयारियां करें, सबको आमंत्रित किया, चाहे वो कोई भी हो। 2023 नहीं, 2024 है। गुटबाजी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, गुटबाजी शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते। परसों भी सारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी मौजूदा और पूर्व विधायक थे सब इकट्ठे थे, राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने उनकी मीटिंग ली और सब इकट्ठे मिलकर चलेंगे। ये गुटबाजी नहीं होती, ये हर आदमी अपने इलाके में, अपने एरिए में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है।
घर में भी काम को बांट के करना पड़ता है, सभी एक जगह इकट्ठे कैसे कर सकते हैं? नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, तिरंगे का सम्मान करना हम सबका हक भी है, हम सबकी जिम्मेवारी भी है। अब तिरंगा यात्रा ही निकाल रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे। जल रहा है नू मेवात में क्या हो रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाँ, प्रोग्राम और जगह बहुत अच्छे हो रहे हैं, वहाँ जाकर नहीं संभाला जा रहा। प्रधानमंत्री जी मणिपुर की तरफ नहीं देखते, मुख्यमंत्री जी नू मेवात की तरफ नहीं देखते। इस प्रकार से दीपेंद्र जी को आपने बताया कि मुख्यमंत्री दिया, क्लाइंट होने से जयप्रकाश जी को भी बुलाया जा रहा है। मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल मैं खुद उन्हें इन्वाइट करूँगा, बजाय किसी साथी के मैं स्वयं करूंगा। सबका हक है, जहां से पार्टी जिसको टिकट देगी, जहां से जिसको मजबूत समझा जाएगा उसको वहां से टिकट दी जाएगी। कांग्रेस के कई पदाधिकारियों की नियुक्तियां हो चुकी है, लेकिन कैथल अभी तक खाली है। कहां नियुक्तियां हुई है कांग्रेस की? अभी तक कोई ब्लॉक अध्यक्ष की या जिला अध्यक्ष की कोई हुई नहीं। परसों जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें नए सिरे से यही है कि नए सिरे से सर्वे करके, ग्राउंड से सर्वे करके, ना कि लीडरों से पूछकर या स्वयं अपनी इच्छा से लिस्ट बना दी जाएगी। नए सिरे से दीपक बावरिया जी जो हमारे अब इंचार्ज लगे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नया सर्वे करेंगे और ग्राउंड के साथियों से पूछ के, जिस प्रकार से उन्होंने जींद का शुरू भी कर दिया है, जींद डिस्ट्रिक्ट से जितने भी इच्छुक लोग थे सबको बुला के सबसे ग्राउंड रिपोर्ट ली है, उसी के हिसाब से सितंबर के आखिर तक 20 सितंबर तक की लिस्ट निकाल दी। मैं कैथल शहर के नागरिकों को विशेष तौर पर यह आह्वान करना चाहूँगा, ये लड़ाई केवल उन्हीं की लड़ाई है, तो इस लड़ाई में, इस प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने प्रिय नेता के साथ सम्मिलित हों और सरकार को झुकाएं, ताकि ये जो प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें जो इतना पजल कर दिया गया लोगों को कि काम करने वाले लोगों को अपनी दिहाड़ियाँ और अपना काम छोड़कर कमेटी की लाइनों में लगना पड़ता है, उससे कम से कम छुटकारा मिल सके। नू की घटना बहुत दुखदाई और बहुत बुरी दुर्घटना है। हरियाणा में आज तक, हरियाणा 1966 से हरियाणा बनने के बाद से लेकर आज तक किसी प्रकार का कोई धार्मिक ऐसा दंगा फसाद या ऐसी घटना नहीं हुई थी, होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए और करने वालों के साथ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पक्ष से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी समाज के हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।